लोग मर गए, शहीद हो गए, कट गए, पिट गए, लूट गए, लेकिन पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा। जी, मेरा नाम मोहम्मद मंसूर आलम है। उस वक्त 1971 में मेरी एज 15 इयर्स के करीब थी एंड आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। जब ये हालात वहाँ के इस पाकिस्तान के बिगड़े, एक हंगामा शुरू हो गया इलेक्शन होने के बाद। जब हंगामा शुरू हो गया तो हंगामा था बंगालीज वर्सेस नॉन बंगालीज, जिसमें वहाँ के बिहारी, पंजाबी, पठान और दूसरे लोग जो बंगालीज नहीं थे। हंगामा शुरू होते ही जो सिविल आबादी थी, उस आबादी पर उन्होंने अटैक किया, लूटमार शुरू की और साथ साथ उन्होंने कत्ल गारत भी शुरू की। वहाँ के जो फोर्सेस थी, लाइक ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स, पुलिस, उन सबों ने बगावत की थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हमारे कौम की औरतों को रैप किया बड़े पैमाने पर, और बड़े पैमाने पर उसकी कत्ल गारत उन्होंने की। जितनी भी छोटी छोटी आबादियाँ थी डिफरेंट लोकेशन पे, उन्होंने उनको बिल्कुल निस्त नाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया। जब ये वाक़या शुरू हुआ, फिर पाकिस्तान आर्मी जब इंटर हुई है तो हमें उनसे मिल करके बड़ी खुशी हुई कि जाहिर है वो पाकिस्तान आर्मी थी और हमने पाकिस्तान के लिए अपना सारा कुछ सेक्रीफाइस किया था। पहले भी हमारे वालदे ने पाकिस्तान के लिए सेक्रीफाइस करके 1947 में हिजरत किया और हिजरत करके वो ईस्ट पाकिस्तान आए। अभी उनकी औलादें भी उनके लिए, वो सेकेंड टाइम उनके साथ ये हो रहा था, देन अगेन दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर सेल्फ एज अ यू नो पाकिस्तानी। जब पाकिस्तान आर्मी को देखा तो हमें काफ़ी तकवीत मिली कि जी ठीक है, ये हमें अब नाउ वी आर इन सेफ एंड। बंगालीज मुक्ति वाहिनी बन गए, कुछ जो EBR के लोग थे, EPR के जो लोग थे, वो मफरूर होकर के इंडिया चले गए। हमारी कॉलोनी के एक स्कर्ट, आउट स्कर्ट पर, बहुत दूर नहीं, बिल्कुल साथ लगा हुआ एक बटालियन थी, एक सेंटर था ईस्ट बंगाल रेजिमेंट का। तो एडवांस करते हुए पाकिस्तान आर्मी उसकी तरफ जा रही थी, तो हम उनके साथ हो गए। और आप यकीन करेंगे कि जब हम उनके हदूद में दाखिल हुए हैं, उस बाउंड्री में, यानी मुझे आज भी याद है और बड़ी यकीन के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि वहाँ पर कुत्ते, बिल्ली और गिद्ध, चील, इंसानी जिस्म को, मरे हुए को नोच नोच करके खा रहे थे। हमारी उनके साथ पर्सनल कोई गरज, कोई दुश्मनी तो थी ही नहीं, हम सब तो बड़े आराम से रह रहे थे। अगर वो इस नहज तक नहीं पहुंचते तो हम एक दूसरे को दुश्मन नहीं होते। उनका था सेपरेट सिंधु बांग्ला का डिमांड था, बांग्लादेश का डिमांड था, हमारा पाकिस्तान का था। ये इख्तलाफ था और यही इख्तलाफ आखिरी दम तक रहा, मरते दम तक रहा। लोग मर गए, शहीद हो गए, कट गए, पिट गए, लूट गए, लेकिन पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा। वैसे तो हम पूरे 9 महीने हमने जंग की, अब एक दिन भी पीस नहीं रहा। या मैं आपको बता दूं, बॉर्डर एरिया में मुक्ति वाहिनी बंगाल और आर्मी, इंडियन आर्मी के साथ हमारी मुस्तकिल जंग जारी थी। हम 9 महीने तक सोए नहीं ठीक से, ना बैठे, और हमें पूरा हफ्ता 15 दिन हो जाता था कि हमारा यूनिफॉर्म चेंज नहीं होता था। हमारे पाँव से जो DMS के जो हैवी शूज़ होते हैं, हमारे पाँव से उतरते नहीं थे, पानी भरा होता था और जिस्म में झोंके लगी होती थी। तो मुस्तकिल हम लड़ रहे थे, कोई पीस नहीं था। शहरों में पीस था लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। 71 की वॉर आज तक, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि हमने जंगें हारी नहीं। हम जिस तादाद में थे और जितने बड़े दुश्मन से हमारा मुकाबला था, हमने वो जंग भी जीती है। जंग में ये नहीं होता कि हारा किसने, जीता किसने, जंग होता है कि जंग लड़ा कैसे। हमारी कम्युनिटी का किसी पार्टी से कभी कोई ताल्लुक रहा नहीं, बस एक पार्टी थी
जिससे हमारा बड़ा गहरा रिश्ता था वो था पाकिस्तान. दैट्स ऑल. पाकिस्तान के अलावा ना पीपल्स पार्टी थी और ना अवामी लीग थी. अवामी लीग के साथ हम वैसे ही नहीं थे. वो चूंकि अगेंस्ट पाकिस्तान थे और हम पाकिस्तानी थे, हमें पाकिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था.